हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको डीएसबी जूनियर कलर के बारे में बताएंगे, आपको जो भी फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है गाइस, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना और कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो शुरू से लास्ट जरूर देखना है। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो आप इसके बारे में सब कुछ जान पाओगे। ठीक है, मौका जैसे मैं ना लेते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना गूगल ऑन कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फिलअप करना है सरकारी रिजल्ट। यहाँ पे देख लीजिए आप sarkaririzult.com, आपको ये साइट ओपन कर लेनी। तो मैं साइट पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए sarkaririzult.com, गाइस ये एक ऑफिशियल साइट है। आप इस साइट पे आके अपने ऑल गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी जान सकते हो। ठीक, जो फॉर्म निकले हुए हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, तो फ्रेंड चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब्स से डीएसबी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों आज फॉर्म आज ही आए हैं, मैं आपको नहीं सबसे पहले दे रहा हूँ। गाइस, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों अपने चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपके लिए कोई न्यूज आती है, फिर कोई भी फॉर्म आता है, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना देता हूँ ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वो। ठीक है, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए जिससे आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट डीएसएसबी। ठीक है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके, इससे फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन बिगिन की बात की जाए, आपकी जो फॉर्म है 7 तारीख स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी महीने से 7 तारीख से। इसमें अगर आपकी लास्ट डेट की बात कर लीजिए, इसमें आपकी लास्ट डेट 6 तारीख की है। ठीक है, जो कि फरवरी में। ओके, फरवरी में आपकी 6 तारीख की आपकी इसकी लास्ट डेट है फरवरी में, और स्टार्टिंग डेट आपकी 7 तारीख की है जनवरी में। ओके, इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस की बात कर ली जाए, इसमें जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज फीस रहेगी। ठीक है, और जो SC ST PS मतलब की जो हैंडीकैप्ड या फिर उसमें आते हैं ना ऑल कैटेगरी फीमेल जो होती हैं, और जो PH जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके लिए इसमें कोई फीस नहीं होगी आपकी। इसमें जो SC ST PH और ऑल कैटेगरीज फेमेल, जो भी फेमेल्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है इसमें, और जो SC ST PH है उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी इसमें। जो जनरल ओबीसी हैं उनके लिए 100 रुपीज इसमें फीस रखी गई है। इसमें अगर आपकी टोटल ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए, इसमें आपकी पोस्ट है 536। ठीक है, 536 पोस्ट में टोटल दी गई है। इसमें आपकी पोस्ट की बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए स्टोर कीपर के, इसमें आपकी टोटल पोस्ट एक है। इसमें आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी इसमें डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम। अपने आपके पास मतलब डिग्री होनी चाहिए, आपके पास मतलब डिप्लोमा, यहाँ पे देख लीजिए बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम। अपने मतलब किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा हो लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फोर डिप्लोमा कैंडिडेट रिकॉर्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, अगर आप स्टोर कीपर का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सेक्शन ऑफिसर, अगर आप गाइस सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, इसमें आपकी 9 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें आपकी एज जो है मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, 30 साल से मतलब कि ऊपर नहीं होनी चाहिए, कम से कम 30 साल इसमें आपकी एज होनी चाहिए, 18 से 30 समथिंग इतनी एज में होगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपकी बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है, पोर्टनी है सब्जेक्ट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, बैचलर डिग्री ने एग्रीकल्चर पोर्टनी है सब्जेक्ट विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्रेंड्स थर्ड में देखिए आप असिस्टेंट इंजीनियर, कहीं अगर आप किसी पोस्ट की बात कर ली जाए, असिस्टेंट इंजीनियर की बात की जाए, इसमें आपकी सिविल के लिए पोस्ट है ये, इसमें आपकी टोटल पोस्ट 46 है, मैक्सिमम आपकी इसमें एज 30 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम तो कम से कम 30 साल इसमें एज होनी चाहिए, 30 से कम नहीं होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपकी यहाँ पे देख लीजिए आपके पास बीटेक या डिग्री होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और चाहिए वेटरनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। गाइस मैं आपकी इसकी बात कर लीजिए, आपकी में टोटल पोस्ट है 78, इसमें आपकी एज दी गई है 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और जो SC ST कैंडिडेट है उनको आप इसमें अलग से छूट मिलेगी। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में, एंड इसमें आपकी +2 पास होनी चाहिए, और आपके पास एनिमल हस्बेंड्री का साइंस का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, नीचे देखिए इन्वेस्टिगेटर की इसमें बात कर ली जाए, आपकी इसमें की टोटल की 15 पोस्ट है, मतलब 15 पोस्ट है आपकी, इसमें मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए, हाई स्कूल आपके 10वीं पास होनी चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
अब बात कर लीजिए फ्रेंड्स स्टेनोग्राफर की, ठीक है। इसमें आपके पास इंग्लिश हो के मतलब कि स्टेनोग्राफर में मतलब स्टेनोग्राफर में आपकी इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश की टाइपिंग इसमें आपकी होनी चाहिए, ना कि हिंदी। कई लोग हिंदी की तैयारी करते हैं बट इसमें आपके आपसे स्पेशली इंग्लिश मांगी गई। इन्होंने मेंशन किया कि इंग्लिश की स्पेशली उन्हें इंग्लिश के लिए टाइपिस्ट चाहिए स्टेनोग्राफर। इसमें आपकी जो एज की बात की, जैसे आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, क्लास इसमें की 10वीं पास होनी चाहिए, आपकी जो स्टेनोग्राफर स्पीड है जो आपकी मतलब आप स्टेनो पे 100 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए, ठीक है। और आपकी 100 इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, आपकी स्टेनो में आपकी 100 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग आपकी देखी जिसमें आपकी 40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आप ये पोस्ट देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। फ्रेंड्स की जो एक मेन पोस्ट है उसके बारे में बता देता हूँ मैं अब, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जूनियर क्लर्क, इसमें आपकी गाइस सबसे ज्यादा पोस्ट इसका किसी वैकेंसी में दी गई है, 254 पोस्ट है इसमें आपकी, 254, ठीक है। इसमें आपसे कुछ भी नहीं आपसे मांगा है, ओनली प्लस टू पास आपके पास होने चाहिए और आपको टाइपिंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसमें आप टाइपिंग देख लीजिए 30 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए इंग्लिश में, 25 वर्ड आपके होने चाहिए हिंदी में, आपके पास प्लस टू होनी चाहिए। आपने प्लस टू आर्ट मैथ मतलब आर्ट से कर रखी हो, मतलब साइंस से कर रखी हो, वो कोई वैल्यू नहीं करता है। आपने बस प्लस टू पास कर रखी हो इंडिया के किसी भी बोर्ड से, आपके पास होनी चाहिए बस, ठीक है। प्लस टू का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फिर आपकी जो टॉप वैकेंसी इसमें की आपकी यही है, मैं आपको ज़्यादा से मतलब सजेशन करूंगा कि आप इसी फॉर्म को फिलअप करें अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो। और जिनकी टाइपिंग इसमें अच्छी नहीं है, मतलब जिन मेरे भाइयों की टाइपिंग स्पीड नहीं है, मुझे कमेंट करके बता देना कि इन टाइपिंग आपकी है या नहीं है, तो मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा जब तक आपकी टाइपिंग स्पीड कम समय में ज़्यादा इंक्रीज कैसे हो जाए, ठीक है। तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। तो फ्रेंड्स आप वैकेंसी देख लीजिएगा, इसमें आपकी जो बहुत की इसमें लेबर वेलफेयर में आपकी 4 पोस्ट, इसमें कम कम पोस्ट इसमें इसमें आप देख लीजिएगा आपका, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा इस सब पोस्ट में। लेकिन जूनियर कलर का फॉर्म आप पक्का भरें, इसमें आप पे ओनली प्लस टू पास होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट ऑन 7/1/2020, आज 7 तारीख से आप फॉर्म फिलअप करने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 7 तारीख से सुबह के 10 बजे आई थिंक साइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ये लिंक एक्टिवेट होते ही मैं आपको सबसे पहले गाइज बता दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए इस बात की, वो टेंशन मेरी है गाइज, आप बस मिला के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।